Assalamualaikum everyone, welcome back to another video। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 किलो भिंडियाँ ले लेंगे। भिंडियों को मैंने वॉश एंड ड्राई करके इस तरीके से कट कर लिया था, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। अब गर्म ऑयल में भिंडियों को डालकर हमने फ्राई कर लेना है। अब हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, बस अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी भिंडियाँ कितनी क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई हैं। बस इसी तरह हम सारी भिंडियों को फ्राई करके एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मसाला तैयार करने के लिए इसी ऑयल में 2 कप यानी के 4 अदद स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए चिकन ऐड करूंगी, तकरीबन 150 ग्राम, और प्याज के साथ चिकन को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, साथ में 2 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर, इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में 2 टीस्पून या हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 अदद चॉप टमाटर ऐड कर लेंगे। अब इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। भिंडी मसाला को चटपटा बनाने के लिए अब हम इसमें 1 अदद लीमू निचोड़ लेंगे। अब हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। बस ये अब बिल्कुल रेडी हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा ये कितनी जल्दी और आसानी से तैयार हो गई हैं और ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार हैं। आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।